आंदोलन तो कहीं देखे होंगे देश भर में, कई तरह के सामाजिक आंदोलन, प्रशासनिक आंदोलन, लोग अपने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, कई आंदोलन सफल हो जाते हैं, कई आंदोलन अटक जाते हैं। दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समय हरियाणा में चल रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप इसमें देख सकते हैं। हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले दिव्यांग समाज हरियाणा ने विनोद वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पंवार, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के नेतृत्व में सैकड़ों विकलांगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिला उपायुक्त को राज्य स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला स्तरीय मांगों के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन श्रीमान DDPO साहब को सौंपा। इसके पश्चात दिव्यांग समाज हरियाणा ने धरना स्थल से घनश्याम दास सर्राफा विधायक भिवानी के ऑफिस की तरफ कूच किया और कार्यालय को घेरा। काफी देर नारेबाजी करने के बाद विधायक घनश्याम दास सर्राफ दिव्यांगों के समक्ष आए, उनको ज्ञापन दिया गया। शिकायत की गई कि आप 44 दिन तक ना तो धरने पर उपस्थित हुए ना ही कोई संज्ञान लिया, इसलिए आज हम स्वयं चलकर ज्ञापन देने आए हैं। जनता के वोट से आप बने हैं और धरने पर बैठी जनता की समस्याएं भी नहीं जान सके, जिसके लिए आप दोषी है। इस पर घनश्याम दास सराफ ने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर धरना स्थल पर बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करवा दूंगा और आपकी मांगों को भी जल्द पूरा करवा लूंगा, मैं आपके साथ हूं। विधायक को ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद दिव्यांग समाज हरियाणा ने सांसद कार्यालय का घेराव किया। सांसद महोदय की तरफ से सांसद महोदय की धर्मपत्नी ने ज्ञापन पत्र लिया और आश्वासन दिया कि सांसद महोदय आते ही आप लोगों से मिलकर आपकी मांगों का संज्ञान लेंगे, सभी मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू करवाएंगे, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से लागू करवाएंगे। आज के धरने की मंच की अध्यक्षता श्री चरण सिंह उर्फ बिट्टू सरपंच प्रधान करनाल ने की। मंच का संचालन नरेश प्रधान जिंद ने किया। मंच को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता सुरेश कुमार ने कहा कि आज हमें DC कार्यालय का घेराव करना है और ज्ञापन देना है, विधायक भिवानी का घेराव करना है और ज्ञापन देना है, सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ का घेराव करना है और ज्ञापन देना है। संदीप रोहिला उप प्रधान इंस्ट्रक्शन दी, आज घेराव के दौरान विधायक और सांसद के कार्यालयों का गेट का घेराव करना है, अंदर किसी को नहीं जाना है, अपना पानी साथ में लेकर चलें। श्री गोपीराम प्रदेश सचिव ने बताया कि ज्ञापन पत्र हमारे 2012 में हुए उपायुक्त से समझौते जिसमें 12 सूत्रीय मांगे हैं को लागू करवाने के लिए और 2018 में हुए समझौते जिसमें 18 सूत्रीय मांगे लंबित है को लागू करवाने के हैं। इसके अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए श्री रमेश लाडवा धरना प्रभान ने कहा कि आंदोलनकारी दिव्यांगों को सरकार व प्रशासन अपना दुश्मन समझती है, जबकि आंदोलनकारी भी देश की जनता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। सरकार व प्रशासन द्वारा धरना स्थल पर बिजली, पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार की सुविधाएं ना दिया जाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, यह जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। श्री विनोद वर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी, हमारा आंदोलन 5 जिलों में जिसमें भिवानी, करनाल, पानीपत, जिंद, हिसार शामिल है, चल रहा है। आने वाले दिनों में अन्य जिले भी शामिल हो जाएंगे। श्री संजय अग्रवाल एडवोकेट अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा ने अपने संबोधन में कहा, हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है, दिव्यांगों का एकमात्र अधिनियम दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को 6 साल में भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दिव्यांगों को 4% के अनुपात में अपनी योजनाओं में भी शामिल नहीं कर पाई। वर्तमान हरियाणा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5,000 पेंशन देने का वादा किया था, वह दावा भी झूठा है और इस समय दिव्यांग, विधवा, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,500 रुपये है। आज के मुख्य वक्ता सुमित शर्मा, भिवानी, ओम प्रकाश आदि रहे। साथियों, ये आंदोलन हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश भर में दिव्यांगजनों के ऐसे ही हालात हैं। इन हालातों का सामना दिव्यांग कैसे कर रहे हैं, आप एक तरफ तो देखिए कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें भी लगातार
44 डेज, 44 दिन से दिव्यांग अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं। ऐसे धरने प्रदर्शनों से सरकारों की आंखें खुलनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि किस तरह विकलांग वर्ग इस भयंकर गर्मी के अंदर परेशान होता है और अपनी मांगें मनवाने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। किसी भी धरने का 44 दिन तक डटे रहना और वह भी दिव्यांगों का धरना अपने आप में एक दिव्यांगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए ये सबक है कि हम इस वर्ग के लिए इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि इनको भी आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, ये आंदोलन दिव्यांग समाज हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश भर में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां दिव्यांगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, अनशन करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के जो आयुक्त हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, दिव्यांगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों के आयुक्त की नियुक्ति सरकार इसलिए करती है कि आप उनके बीच जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाएं। आप खुद सोचिए, अगर समस्या नहीं होती तो किसको मजा आता है कि 44 दिन तक लोग सड़कों पर बैठते, अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन करते, अनशन करते और इस तरह से सरकार को झुकाने के लिए दिव्यांग डटे हुए। और लगातार जो इस धरने के प्रतिनिधि है संजय अग्रवाल, उनसे दिव्यांग जगत की जो बातचीत हुई उन्होंने उसमें बताया कि चाहे जो हो जाए लेकिन हम हमारे अधिकार लेकर रहेंगे। साथियों, ये धरना अपने आप में एक ऐतिहासिक धरना होगा क्योंकि 44 दिन से इस भीषण गर्मी में 45 से 48, 48 से 50 डिग्री का टेम्परेचर इस समय है, धरती तप रही है, आसमान से आग बरस रही है, उसके बावजूद भी दिव्यांग लोग अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी बात जरूर कहें ताकि सरकार के बंद कानों तक आपकी बात पहुंचे और ये सरकार संज्ञान लेकर के दिव्यांगों की मांगों का समाधान करें। CMP and Mutada!